वीडियो अभी आपको दिखाने वाली हूँ, जो भी चीजें हमने अरमान जी ने, मैंने और गोलू ने बोली है ना, वो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं थी, तो वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। और वीडियो देख के अगर कोई अंधा भी होगा ना, उसे भी पता चल जाए कि उस दिन जो टास्क में हुआ ना वो बिल्कुल फेक था। शिवानी की बात कर रही हूँ, घर पे कभी ऐसा हुआ होगा, मैं उस चीज के लिए डिनाई नहीं कर रही हूँ, हुआ होगा उसके साथ कि उसे ये दांत बंद होके बेहोशी हो गई होगी, पर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे उसने फेक की है। मैं दिखा देती हूँ, ये वीडियो पूरी दिखाती हूँ, यहाँ पे ये बेहोश हो रही है, ये देखो। जब कोई बंदा बेहोश होता है ना, तो बेहोश ऐसे होता है, बेहोशी होती है, कोई भी बेहोश ऐसे नहीं होता भाई। तो बस ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, बाकी अब वो अपने आप को चेंज कर चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। पर ये चीज मैंने, अरमान ने और गोलू ने नहीं बोली थी, ये पूरे घर वालों ने बोली थी। वहां सारे घर वाले जो हैं हाँ में हाँ मिला रहे थे, पर वो ये कि जो हमने मुंह पे बोल दिया, उसके गुड बुक में रहना चाहते थे सारे, क्योंकि वहां कोई खेल ही नहीं रहा, वो वहां पे सब डर रहे। नॉमिनेट यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक आ चुकी है बिग बॉस हाउस से बाहर, और बाहर आते ही पायल ने क्लास ली है घर वालों की और पूरी दुनिया के सामने रखा है घर वालों का डबल फेस चेहरा, और कहना है शिवानी है डबल फेस। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या शिवानी सच में खेल रही है डबल गेम बिग बॉस हाउस में।